हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और जितने भी हमारे पास साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया के पेशेंट आते हैं, उनके दिमाग में एक बात जरूर होती है कि सर, ये बीमारी हुई क्यों? क्या ये बीमारी एनवायरमेंटल है या जेनेटिक है? इसका रीजन क्या है? या जैसे काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, हिस्ट्री देते हैं कि जैसे पेरेंट्स आए, उनके किसी बच्चे को, लड़के या लड़की को सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस की बीमारी है कि सर, बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक था, कॉलेज में था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई का स्ट्रेस आया और जब से इसको ये सिजोफ्रेनिया हो गया है, तो इस तरह से डिस्कशन होता है। या कोई बच्चा जॉब में होता है तो घर वाले बताते हैं कि सब बढ़िया चल रहा था, जॉब का स्ट्रेस आया और बच्चा बीमार हो गया और जब से इसकी बीमारी चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझनी है कि लाइफ में स्ट्रेस सबके आते हैं। जब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई में किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस होता है, जब एग्जाम आते हैं तो स्ट्रेस होता है, सभी बच्चों को होता है, लेकिन सबको सिजोफ्रेनिया नहीं होता, किसी किसी को ही होता है। जब लोग जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब में भी सबको स्ट्रेस फेस करना होता है। वो हो सकता है कि आपको कोई नया काम मिला है या आपको कोई टारगेट मिला है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स है, सब तरफ हर जगह ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं सबको तो सिजोफ्रेनिया नहीं होता। तो इसका रीजन ही आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो लोग ये सोच रहे हैं कि जॉब की वजह से या पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से हो गया, तो वो एक रीजन होता है जिसको हम एनवायरमेंटल रीजन बोलते हैं, लेकिन सबसे कॉमन रीजन जो होता है सिजोफ्रेनिया का या साइकोसिस का, वो होता है जेनेटिक रीजन। करीब 70-80% जो वजह होती है सिजोफ्रेनिया होने की, वो जेनेटिक होती है। अब लोग कहेंगे कि पूछेंगे कि अगर किसी के पेरेंट्स को सिजोफ्रेनिया है तो कितना परसेंट चांस रहता है? तो अगर हम बात करें कि किसी के एक पेरेंट को अगर सिजोफ्रेनिया है, मदर को या फादर को, तो बच्चे में सिजोफ्रेनिया होने का चांस 10% होता है। और अगर दोनों ही पेरेंट्स को, माता पिता दोनों को ही सिजोफ्रेनिया है, तो बच्चों में साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया होने का चांस 50% होता है। या अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, जो कि एक जैसी जीन्स शेयर करते हैं, तो उन दोनों में अगर एक को सिजोफ्रेनिया है तो दूसरे बच्चे में भी सिजोफ्रेनिया होने का चांस 50% होता है, जो कि बहुत अच्छा खासा नंबर है। तो काफी सारी फैमिली आती है, वो डिस्कस करती है कि सर, आपने बताया कि इसमें जीन्स का, जेनेटिक का काफी रोल है, लेकिन हमारे घर में तो इसके माँ बाप को तो किसी को सिजोफ्रेनिया नहीं है, फिर इसको कैसे हो गया? तो दोस्तों, उसमें क्या होता है, काफी बार साइलेंट कैरियर होते हैं फैमिली में। जैसे हो सकता है कि आपको जीन्स मदर साइड से आई हो या फादर साइड से आई हो, अगर उनकी आप पीछे की फैमिली में देखेंगे तो कोई ना कोई रिलेटिव आपको सिजोफ्रेनिया से अफेक्टेड मिल जाएगा या फादर की साइड में कोई मिल जाएगा। काफ़ी बार हमने ये भी देखा है कि सिजोफ्रेनिया बीमारी नहीं होती, उससे मिलती जुलती और या और कोई साइकेटिक इलनेस होती है रिलेटिव्स में, तो ऐसे में पेरेंट साइलेंट कैरियर होते हैं और फिर बीमारी हो जाती है। काफ़ी बार ये भी चांस होते हैं कि पहली बार जीन्स आई हो आपकी फैमिली में, जैसे मदर और फादर की जीन्स का कॉम्बिनेशन ऐसा बना है जिससे कि सिजोफ्रेनिया की बीमारी बच्चों में हो गई, तो इस तरह से जिनके सीधे पेरेंट्स को बीमारी नहीं है, तो उस सिचुएशन को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उससे समझा जा सकता है। तो दोस्तों, अब तो जैसे हमने बताया कि जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिजोफ्रेनिया होने या नहीं होने को बहुत कुछ हद तक डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड कैसे करता है जीन्स कि सिजोफ्रेनिया होगा या नहीं होगा? तो बेसिकली जेनेटिक इम्बेलेंस से या जेनेटिक प्रॉब्लम से, जो कि जीन्स आई हैं, उनसे केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है बॉडी में, ब्रेन में, और ये जो केमिकल इम्बेलेंस है इसी को दवाइयां ठीक करती हैं। तो इसीलिए सिजोफ्रेनिया का इलाज दवाइयों से बहुत अच्छा होता है, अगर सही टाइम पर और सही दवा पेशेंट को सही डोजेस में मिल जाए। अगर दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिजोफ्रेनिया में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एग्री। और दोस्तों, आपकी फैमिली में कोई है जिसको कि इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, किसी फैमिली ग्रुप में जहां आपको लगता है ये हेल्पफुल हो सकता है, वहां ये वीडियो शेयर करिए। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप जो कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे उनका जवाब हम प्रायोरिटी के साथ देते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा मेरी रिक्वेस्ट के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।